काशीनाथ, ट्रक के पास भी नहीं आना, बहुत जोर का करंट मारता है। देखो सर, तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं, बात मेरे उसूल की है, और मेरा उसूल ये है कि जिसका खाओ उसका गुण गा। मतलब फिर से एक बार कह रहा हूँ सेठ, जिसने भी मेरे ट्रक को टेढ़ी आंख से देखा ना, उसका थोबड़ा बिगाड़ के रख दूंगा। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टेसन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की अभिनय से सजी फिल्म जाल के बारे में, और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म जाल एक थ्रिलर एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 14 फरवरी 1986 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है एफसी मेहरा और परवेश मेहरा, तथा फिल्म को निर्देशित किया है उमेश मेहरा ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, मंदाकिनी, तनुजा, विनोद मेहरा, मुनमुन सेन, शरद सक्सेना, अमृत पाल, गुलशन ग्रोवर, तेज सप्रू, जगदीप, रुपेश कुमार, बीरबल, मोहन चोटी और यूनुस परवेज ने। फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं, जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद अजीज, इला अरुण और शब्बीर कुमार ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है और 64% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 3.2 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 5.5 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मिथुन चक्रवर्ती की रेखा के साथ यह पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया था। इस फिल्म से पहले दोनों ने दो अनजाने, मुझे इंसाफ चाहिए और बाजी जैसी फिल्मों में काम किया था, जिसमें मिथुन ने दो अनजाने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। तो फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए में एक नकारात्मक भूमिका में नजर आए थे और फिल्म बाजी में एक सहायक अभिनेता के रोल में दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की एक साथ यह पहली फिल्म है। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म की सफलता के बाद इस फिल्म का रीमेक साल 1987 में तेलुगु में किरई दादा के नाम से बनाया गया था। फिल्म किरई दादा को हिंदी में रावड़ी दादा के नाम से डब किया गया था। फैक्ट नंबर 4, निर्देशक उमेश मेहरा और रेखा की एक साथ यह पहली फिल्म है। इस फिल्म के बाद 1996 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में एक साथ काम किया, जिसके लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ खलनायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर इसके बाद 1998 में किला फिल्म में काम किया, जिसमें रेखा के साथ महान अभिनेता दिलीप कुमार नजर आए थे। फैक्ट नंबर 5, जाने माने खलनायक अमृत पाल की यह पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक का किरदार निभाया था। इससे पहले वह सहायक भूमिकाओं में ही नजर आते थे। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की सफलता के बाद निर्देशक उमेश मेहरा ने 3 बाहरी प्रोडक्शंस कसम, वर्दी और गुरु अन्य निर्माताओं की फिल्मों का निर्देशन किया। फैक्ट नंबर 7, बंगाली फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री मुनमुन सेन की यह दूसरी हिंदी फिल्म है। इस फिल्म से पहले 1984 में रिलीज हुई फिल्म अंदर बाहर में काम किया था। मुनमुन सेन ने बंगाली और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। फैक्ट नंबर 8, मिथुन चक्रवर्ती और मुनमुन सेन की एक साथ यह पहली फिल्म है। इस फिल्म के बाद इसी साल रिलीज हुई फिल्म शीशा में एक साथ नजर आए थे। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के साथ गोविंदा अभिनीत फिल्म लव 86 भी रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 10, मिथुन चक्रवर्ती और निर्देशक उमेश मेहरा की एक साथ यह दूसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले 1982 में रिलीज हुई फिल्म अशांति में एक साथ काम किया था और इस फिल्म के बाद अविनाश, मुजरिम, शिकारी और यार गद्दार जैसी फिल्मों में काम किया।
दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।